हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर आज बनाते हैं एक यूनिक सा रेसिपी, पनीर पाइनएप्पल ट्रायंगल। उसको मैं इन्वेंट किया है, तो ऐसे देखा जाए तो मेरा वो सिग्नेचर डिश है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तो आप भी उस तरह बना सकते हो, तो ज़रूर आप ट्राई करें। जरूर तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। आप भी बना सकते हो घर पर आसानी से। अगर मेरा शेफ कोई देख रहे हैं तो उन्होंने भी ट्राई करें बनाने के लिए। अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना। तो सबसे पहले हम कट कर लेंगे पनीर को। तो पनीर को सामने पनीर का स्लाब एक ले लिया है, तो उसको ऐसे पतला पतला स्लाइस कर लेना है। इस तरह से पतला पतला स्लाइस कर लीजिए पहले। ऑलरेडी हमने पनीर को इस तरह काट लिया है, लेयर देख सकते हो। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस टाइप का कटिंग करके साइड करना है पहले उसको। अभी कटिंग करेंगे पाइनएप्पल का स्लाइस। तो हमने ले लिया है केन वाला पाइनएप्पल, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हो। मेरे पास अभी फ्रेश अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं केन यूज कर रहा हूँ। तो उसको फाइन चॉप करना है, उसको इस तरह कर लेना है, उसको ऐसे ही। उसको ऐसे पूरा फाइन चॉप कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमारा पाइनएप्पल चॉप हो चुका है, उसको भी रिमूव करते हैं एक प्लेट में। उसमें जाएगा हमारा ये चीज़, हमने ले लिया अमूल चीज़। तो अमूल चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटर का मदद से। ये चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया। ये चीज़ के साथ में मिलाएंगे अभी पाइनएप्पल। उसमें हमारा और जाएगा ये इसमें चिली फ्लेक्स। तो ये हमारा किया का चिली फ्लेक्स है, मैं चिली फ्लेक्स डाल रहा हूँ। तो चिली फ्लेक्स डाल दिया, अभी मैं डालूँगा इसमें फाइन चॉप जिंजर। तो जिंजर का मिलाएंगे। ये चीज़ पाइनएप्पल और जिंजर का कॉम्बिनेशन बड़ी मस्त रहता है, ज़बरदस्त रहेगा। तो जिंजर पाइनएप्पल और चिली फ्लेक्स इसको मिला लेंगे बढ़िया से। ये हमारा चीज़ और पाइनएप्पल का मिश्रण बन चुका है, अभी उसको करते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग करने के लिए हमें ले लिया एक नाइफ। तो नाइफ का मदद से जैसे कि सैंडविच का स्टफिंग होता है, ऐसे ही स्टफिंग करना है। चारों साइड ऐसे लगा लेना है, जैसे वो भेज सैंडविच बनाते हो बस उस तरह की लगाना है। इस तरह लगा लीजिए, फिर उसका ऊपर और एक पीस चिपका दीजिए। देन इसका हो गया, ऐसे ही सारे कर लेना है। तो ऐसे ही सारे कर लेना है, आप भी कर लीजिए बढ़िया से। तो हमारा स्टॉपिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अभी बनाते हैं बैटर। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर। तो मैंने लिया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, उसमें ऐड करेंगे मैदा, जितना कॉर्नफ्लावर उतना मैदा। तो खाना बनाते बनाते ऑलरेडी मेरे को भूख भी लग गया, तो हमारा नाश्ता भी आ चुका है, तो मैं थोड़ा खा लेता हूँ ये ब्रेक। ये जो खा रहे हो ना, ये ऑनली फॉर मेघालय स्पेशल, वाई वाई बोलते हैं उसको, चटपटा सलाद ऐसा बनाया गया है। ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, इसका भी रेसिपी मैं शेयर करूँगा। अगर वाई वाई आपका तरफ मिलता है ना, इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार, ज़बरदस्त लगता है। अभी बना लेते हैं बैटर। तो बैटर बनाने के लिए हमें तो ले लिया है कॉर्नफ्लोर एंड मैदा, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए कि कलर करने के लिए, हमने कलर यूज नहीं करा है। ये हल्दी पाउडर से हमारा कलर बनेगा पूरा नेचुरल। तो उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट अपना हिसाब से डालिए, अपना हिसाब से क्या, जितना चाहिए उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है खाना को ख़राब भी कर सकता है और खाना को अच्छा भी कर सकता है। तो उसको ऐसे मिलाइए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाइए। इसमें और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं, बढ़िया से मिला लेना और क्या है। तो कलर देख रहे हो कैसा केसरिया कलर आया है हमारे हल्दी से, विदाउट केसर का केसरिया कलर, समझ रहे हो तो कैसा बना है।
ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मिलाना बढ़िया से, और क्या ऐसे बीट कर रहा हूँ मैं। आप चाहे सो हाथ में कर सकते हो, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। तो बैटर को ऐसा बीट करना है बढ़िया से। अभी उसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर डालिए। बेकिंग पाउडर डाल के उसको ऐसा मिला लीजिए। तो अभी बनेगा डिश का इम्पोर्टेंट पार्ट। हमने बोला था ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, उसको ऐसे बीच से सेंटर से कटिंग कर लेना है। सेंटर से कटिंग करने के बाद क्या होगा, नहीं ये बन जाएगा ट्रायंगल। ये बन गया ट्रायंगल हमारा, तो उसको रखते हैं साइड में। इस तरह सब काट लेंगे, काट के करेंगे फ्राई। ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी, हमारा ट्रायंगल भी रेडी। अभी करते हैं फ्राई, तो चलते हैं सेक्शन में फ्राइंग करने। तो सबसे पहले एक ट्राई कर लेंगे हमारा बैटर सही बना कि नहीं बना। ऐसे डीप कर लेना है बैटर में, और ऐसे ही छोड़ना है। अभी डाल लेते हैं सब, ऐसे बैटर में डिप करके सबको डालना है। बैटर हमारा ऑलमोस्ट सही बन चुका है। हमारा ट्रायंगल अभी आ गया ऑयल में, उसको फ्राई कर लेंगे, देन उसको प्लेटिंग करेंगे। पहले हमारे ट्रायंगल का हाफ डाउन करके निकाल लेते हैं, निकाल के उसको साइड करते हैं, देन बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के बाद उसको करेंगे फोल्ड डाउन और प्लेटिंग। चलिए उसके लिए हम सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हमें ले लिया ऑयल। ऑयल में आएगा सबसे पहले हमारा गार्लिक, ये हमारा गार्लिक और जिंजर। गार्लिक जिंजर आपका जब सौते हो जाए तब उसको मैं ऐड करें पानी। पानी ऐड करने के बाद फिर से आएगा उसमें हमारा पाइनएप्पल चॉप। जो पाइनएप्पल हमने उसमें यूज किया था उसी पाइनएप्पल चॉप करके फिर इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। फिर आएगा हमारा शुगर। शुगर में डाल रहा हूँ 3 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। फिर आएगा इसमें हमारा हल्दी पाउडर, पाइनएप्पल जैसे कलर देखने के लिए, लेमन येलो कलर दिखेगा पाइनएप्पल जैसा, उसको मिला लेंगे बढ़िया से। थोड़ा सा सावरनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ विनीगर। आप चाहे तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थिकनेस के लिए हम ऐड कर रहे हैं ये हमारा कस्टर्ड पाउडर। आप चाहे तो कॉर्नस्टार्च रूप कुछ भी ऐड कर सकते हो, हमने ऐड किया कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से क्या होगा ना, फ्लेवर भी अच्छा रहेगा और यूनिक बनेगा। सॉस हमारा बन के हो गया तैयार, उसको करते हैं रिमूव, देन उसको फोल्ड डाउन करके करेंगे प्लेटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रायंगल का कर लेते हैं फोल्ड डाउन। तो जिस ऑयल से हम निकलते हैं उसी ऑयल में फिर से दोबारा डालें। दोबारा डालने से और क्या होगा कि और क्रिस्पी होकर पूरा अच्छा से निकलेगा। जब भी किसी चीज़ को डबल फ्राई कर रहे हो तो स्लो मीडियम फ्लेम में छोड़िए और फुल मीडियम फ्लेम में निकालिए। उससे आपको क्या मदद मिलेगा ना, आपका जो फ्राइंग चीज़ें डीप फ्राई जो हो रहे हैं, ऑयल पूरा कढ़ाई का अंदर रह जाएगा, आपका डिश में ऑयल कम आएगा। एक तो रीजन है और कुछ नहीं है। अभी करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए हमें चाहिए एक प्लेट, तो हमें भी ले लिया एक प्लेट। तो उसको इस तरह सजा के रखना है। खाना एक ऐसा चीज़ है, खाना जितना टेस्टी होना चाहिए दिखना भी उतना अच्छा होना चाहिए। आँखों में अच्छा दिखेगा तो ऐसे ही पेट भर जाएगा। तो हमने कर लिया प्लेटिंग। तो उसमें आएगा हमारा ये पाइनएप्पल से बनी हुई सॉस। तो उसको ऐसा ऊपर से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। उसका ऊपर गार्निश में ऐड करेंगे ये हमारा सेसमी, कलर सेसमी, ये देख सकते हो
स्पेशल फॉर फॉरेन से मंगाया मैं उसको। तो ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा लगा है। साइड में फिर थोड़ा सा सॉस आएगा हमारा। इसका साथ में हमारा आएगा ये टू टाइप ऑफ सॉस, एक है स्वीट चिली सॉस, एक है हम जो बनाया अभी पाइन एप्पल का सॉस। बस इसका साथ एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए फ्रेंड्स अभी टेस्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लिया है ये ट्रायंगल, सेंटर से कट कीजिए। सेंटर से कट करने के बाद आप देख सकते हो अंदर का स्टफिंग पूरा भरा हुआ है। इसको हम डिप करेंगे अभी सॉस में, मैं खा के बताऊंगा कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा बना है, पनीर चीज़ और पाइनएप्पल का जो कॉम्बिनेशन है, अंदर में जो जिंजर पाइनएप्पल दिया, पाइनएप्पल का खटास, जिंजर का फ्लेवर पनीर का अंदर से आ रहा है, और जो ये सॉस में बनाया पूरा स्वीट एंड सावर पाइनएप्पल फ्लेवर में है, बड़े ज़बरदस्त लगा। बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा, और आप घर में अगर बना रहे हो कोई किटी पार्टी में, बहुत आसान सा रेसिपी घर पर बना सकते हो। और क्या, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और एक रेसिपी के लिए इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ।